पहलवान गीता फोगाट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखना उनके पहलवान पिता महावीर फोगाट का सपना था और गीता ने 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम में ये सपना सच भी कर दिया। लेकिन अब भी गीता फोगाट अपने आप को एक असफल इंसान मानती है। ये पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। गीता जल्दी रियलिटी टेलीविजन शो खतरों के खिलाड़ी के सीजन 8 में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि गीता कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। रिंग में अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ने वाली गीता अब रियलिटी शो के जरिए अपने डर को जानना चाहती है। गीता ने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन मैं सबसे असफल इंसान हूँ। कुश्ती में मैंने कुछ मैच हारे और ये सामान्य बात है। हालांकि एक मैच हारने के बाद मुझे उस हार से उभरने में काफ़ी समय लगता है और इस वजह से मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा बन पाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मैं आपसे मिलूंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी बॉलीवुड की मसालेदार और चटपटी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए GPH न्यूज़।